हाँ जी, तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जर्वेशन क्या है, मुशाहिदा करना, और ऑब्जर्वेशन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, जो इन 5 सेंसेस से की जाए वो क्वालिटेटिव होगी, जैसे आँख से, कान से या टचिंग के थ्रू की जाए तो वो क्वालिटेटिव होगी, और अगर इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए करेंगे हम थ्रू द थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप और टेस्ट ट्यूब वगैरह, तो वो क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। ठीक है, 1880 में फ्रेंच फिजिशियन लवेरन ने जब ब्लड सैंपल मलेरियल पेशेंट का स्टडी किया, तो थ्रू द माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर कुछ टाइनी क्रिएचर्स को, जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि ये प्लाज्मोडियम है, और उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये प्लाज्मोडियम जो है वो तमाम मलेरियल पेशेंट के अंदर जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हमारा इंटेलिजेंट गैस है, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट की तरफ से स्टेटमेंट के तौर पर दिया जाता है। जब वो कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद वो एक स्टेटमेंट को जारी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मलेरियल पेशेंट्स की बात करें, मलेरिया के केस में क्या हो रहा था कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था, ये ऑब्जर्वेशन की गई थी। फिर क्या अंदाज़ा लगाया गया कि प्लाज्मोडियम क्या है, कॉज है मलेरिया का, सो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो हाइपोथेसिस की जा रही है, वो टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई किया जा सके उसको, ऐसे स्टेटमेंट ही जो है वो वैलिड होती है। अगर हम हवाओं में बातें कर दें या ऐसी बात कह दें जो टेस्टेबल या एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव्ड ना हो सके, तो फिर देन उसको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे, ये रीजनिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन की, फिर आपने अंदाज़ा लगाया, ठीक है, हाइपोथेसिस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई छोटा बेबी रोता है जब भी, तो उसकी जो मदर है उसको ऑब्जर्व करती हैं कि ज़रूर इसने कोई कार्रवाई की है या इसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपना हाइपोथेसिस इंटेलिजेंट। अब बात यह आती है कि ये अगर रो रहा है या इसको इसने कुछ भी कोई प्रॉब्लम है इसको, तो वो क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्यों हो रही है। तो यही रीजनिंग और क्वेश्चंस के बेस पर हमारा हाइपोथेसिस या तो इंडक्टिव होगा या फिर डिडक्टिव रीजनिंग अराइजेज होंगी, ठीक है, उसके अंदर। अब आ जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक यानी आइसोलेटेड से जर्नल की तरफ हम जाएं, ठीक है, यानी कोई एक चीज़ हमें किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी एक चीज़ से वो चीज़ वेरीफाई हो जाए और हम उसको आम बना दें कि हाँ, फॉर एग्जांपल मलेरिया में क्या हो रहा था कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट में किसी एक में पाया गया, फिर हमने दूसरे को चेक किया तो दूसरे में भी पाया गया, दूसरे के ब्लड सैंपल में भी पाया गया, इसी तरीके से तीसरे के ब्लड सैंपल में भी पाया गया, तो हमने कहा कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाएगा। तो ये चीज़ कहलाएगी कि एक जर्नल यानी आइसोलेटेड पर्सन से लेकर जर्नल में हो गई, यानी एक जो मामूली सी बात थी वो एक अब आम हो गई है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि शार्क जो है वो एक फ़िश है और तमाम फिशेस के पास स्केल्स होते हैं, तो लिहाजा शार्क के पास भी स्केल्स होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि वही आम बात को हम किसी भी आइसोलेटेड के लिए या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मलेरिया के केस में क्या हो रहा था कि एक ही पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था, तो यही कहा गया कि जितने भी यानी जर्नल की तरफ चले गए कि जितने भी मलेरियल पेशेंट होंगे तो उन सब के ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है जर्नल टू स्पेसिफिक। नाउ इसके बाद जो साइंटिस्ट अपना नेक्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बाद जो यूज़ करते हैं, वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है जिसे हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग पे वो एक एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार वेरीफाई किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है थ्रू अदर साइंटिस्ट, ठीक है, उसके बाद हम कोई भी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं।
अब साइंटिस्ट जो हैं वो दो तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एक हमारा हो गया कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, जिसमें हमारे हेल्थी पेशेंट्स को लिया जाएगा, यानी फॉर एग्जांपल हमने 50 या 100 के करीब अपने हेल्थी पेशेंट्स को ले लिया, उनके ब्लड सैंपल्स ले लिए, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें हम लेंगे मलेरियल पेशेंट या जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होंगे जिस डिज़ीज़ को हम रिकोगनाइज़ करना चाह रहे होंगे उसके इन्फेक्टेड पीपल्स ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मलेरियल पेशेंट ले लिए हमने 100 या 50 के करीब, ठीक है, और उनके ब्लड सैंपल्स ले लिए। जब इन दोनों ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ब्लड सैंपल्स लिए, तो उसके बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट हमने वेरीफाई किया कि जो प्लाज्मोडियम था वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड के सैंपल के अंदर प्रेजेंट था, जबकि जो हेल्थी कंट्रोल ग्रुप था हेल्थी पेशेंट्स से उनके अंदर प्लाज्मोडियम उनके ब्लड के अंदर नहीं पाया गया, ठीक है। अब कॉन्क्लूजन हमारा क्या करता है, जो हमारा हाइपोथेसिस था उसके बेस पर हमने जो रिज़ल्ट एनालाइज किया था उसके डेटा को और उसकी कलेक्शन को ये एनालाइज करता है, आया कि वो जो रिज़ल्ट था उसके बेस पर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कितना वेरीफाई है, कितना वैलिड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मलेरिया के केस में जब हमने सारे रिजल्ट्स को एनालाइज किया तो ये कॉन्क्लूजन क्या निकली कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, वही प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, उसी प्लाज्मोडियम की वजह से जो है वो मलेरिया की बीमारी होती है। तो ये हमारे कॉन्क्लूजन किसकी बेस पर हमने एनालाइज किया, रिजल्ट की बेस पर। अब यही जो हाइपोथेसिस हमारा वेरीफाई हो गया, जो कि एक कॉन्क्लूजन हमने गेट कर लिया, उसके बाद यही हाइपोथेसिस जो है वो हमारा थ्योरी बन जाता है, ठीक है, जो कि वेल टेस्टेड होती है और हाईली रिलायबल होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है, वो रिपीटेड की जाती है अगेन एंड अगेन। जब किसी भी चीज़ की थ्योरी बन जाती है तो वो सेम ही रहती है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते, क्योंकि वो आप जितनी भी दफ़ा उसके एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज करेंगे, उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो सेम रिजल्ट को ही शो करेगी। लॉ एंड प्रिंसिपल्स में क्या होता है, जो थ्योरी होती है वही लॉ होता है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जब लॉ बन गया तो वो क्या है, वो भी रिजेक्ट आप उसको नहीं कर सकते। और जो बायोलॉजी के अंदर जितने भी लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं, इसलिए कि जो हमारी नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा पल्जिंग टाइप